वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट इमिटिंग डायोड दैट इज एलईडी का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीजेटी दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर विच इज कॉल्ड एज अ बीजेटी। A junction transistor is a semiconductor device having two junction and three terminal. तो BJT जो है वो एक junction transistor है, ठीक है। तो जिसमें two junction है PN, okay, and NP, and it has a three terminals, that is emitter, collector and base, ठीक है। तो दो junction and तीन terminal का device है आपका junction transistor। The current in a transistor is carried by both electrons and holes. तो current जो flow होगा transistor में वो both होगा electrons and holes. Hence it is called as a bipolar junction transistor. तो इसलिए इसको bipolar junction transistor कहा जाता है, क्योंकि जो current flow हो रहा है transistor में वो electron as well as holes की वजह से वहाँ पे flow हो रहा है। That's why a transistor has a three doped regions which forms a structure विथ टू बैक टू बैक पी एन जंक्शन, ठीक है। तो ये हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, मीन्स ट्रांजिस्टर में जो डोपिंग हुआ है, ठीक है, थ्री रीजन्स का, दैट इज एन पी एन और पी एन पी, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स आर यूज, सो दैट डोपिंग स्ट्रक्चर विद द टू बैक कनेक्टेड पी एन जंक्शन लाइक एन पी एंड पी एन, सो इट हैज़ द टू जंक्शंस। So there are two types of transistor, namely NPN and PNP. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक आपका NPN होगा, सेकंड वन जो होगा PNP. So the circuit symbols and schematic representation of these two type of transistor is shown here. ठीक है, तो फिगर जो A है वो सर्किट सिंबल है BJT के, ओके। तो फर्स्ट फिगर में NPN का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। इट हैज़ अ थ्री टर्मिनल इमिटर बेस एंड कलेक्टर, क्योंकि हमने देखा कि ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। सेकंड टाइप जो है वो पी एन पी है, जिसमें इमिटर कलेक्टर एंड बेस सेम थ्री टर्मिनल्स है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस एरो इज टूवर्ड द बेस इन केस ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर, एंड इन केस ऑफ पी एन पी ट्रांजिस्टर द एरो हेड इज टूवर्ड द इमिटर, ठीक है। तो ये दो ही डिफरेंस है मेन एन पी एन एंड पी एन पी में, ठीक है। दिस एरोहेड इज टूवर्ड द बेस इन केस ऑफ एन पी एन, एंड दिस एरोहेड इज टूवर्ड द इमिटर इन केस ऑफ दिस पी एन पी ट्रांजिस्टर। दिस एरोहेड्स ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द ट्रांजिस्टर, ओके। तो ये जो एरो है हमने यहाँ पे देखे एन पी एन एंड पी एन पी में, दिस एरोहेड इंडिकेट द करंट फ्लो डायरेक्शन इन द ट्रांजिस्टर। So in case of this NPN transistor, the arrow points away from the emitter to the base. And for PNP transistor, it is points away from the base towards the emitter. Okay. So in case of this NPN transistor, a P-type semiconductor, that is base layer, separates the two layers of the N-type semiconductor. दैट इज इमिटर एंड कलेक्टर, ठीक है। तो एन पी एन जो ट्रांजिस्टर है जिसमें पी टाइप सेमी कंडक्टर जो रहेगा वो एज अ बेस वर्क करेगा, ये फर्स्ट फिगर में दैट इज एन पी एन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है एन पी एन ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे पी रीजन जो एज अ बेस वर्क करेगा, ओके, एंड बोथ एन एंड दिस इमिटर एंड कलेक्टर विल बी कंस्टिट्यूट हियर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बोथ इमिटर एज वेल एज कलेक्टर वर्क करेगा। सो इट इज़ ऑप्टेन बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू एन टाइप, ओके। तो यहाँ पे पी टाइप जो मटेरियल है वो सैंडविच किया गया है, ठीक है, बिटवीन दिस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सो इट इज़ फॉर्म द एन पी एन, मीन्स टू जंक्शंस आर क्रिएटेड बैक टू बैक, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा। फर्स्ट इज दिस एन पी एंड सेकेंड जंक्शन विल बी द पी एन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि इट इज़ बी जी टी एज द टू जंक्शन बैक टू बैक कनेक्टेड, एंड इट इज़ अ थ्री टर्मिनल डिवाइस विच इज़ इमिटर बेस एंड
collector. So that is simple structure of this NPN transistor. So the thickness of this layer N as compared to P is larger in case of this PNP transistor. Then N type of semiconductor is the base in case of this PNP transistor, that and P type of semiconductor will work as a emitter as well as कलेक्टर. ठीक है, तो जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस वर्क करेगा एज अ एन टाइप सेमीकंडक्टिंग डिवाइस सॉरी मटेरियल, एंड बोथ दिस पी सेमीकंडक्टर्स विल वर्क एज अ इमिटर एज वेल एज कलेक्टर. सो इट इज ऑब्टेन बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इन बिटवीन टू रिलेटिवली थिक लेयर्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका थिकनेस लार्जर रहेगा एज कम्पेयर टू this n type of semiconductor. So again the two junctions will be formed. First one is PN and second junction will be the NP. So again it is a two junction three terminal device, that is emitter, base and collector. So that is a simple structure for this n type NPN and PNP type transistor, and it has a three layers of a transistor are the emitter, base and collector. So transistor can be thought to be a two junction diode connected back to back. So this two diode analogy is shown here. तो जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा कि दो जंक्शन बैक टू बैक कनेक्टेड है. ठीक है, फर्स्ट जो दिया है एन पी एन ट्रांजिस्टर दिया है, सेकेंड है पी एन पी. ठीक है, सो इन एन पी एन ट्रांजिस्टर इज इमिटर कलेक्टर बेस, इन पी एन पी इट इज अगेन इमिटर कलेक्टर एंड बेस इज देयर. So first terminal is the emitter, so it is a thick and heavily doped layer. So this supplies a large number of majority charge carriers for the current flow through the transistor. ठीक है, तो emitter जो layer रहेगा वो heavily doped रहेगा as compared to the base and collector. ठीक है, and the working of emitter is that it will supply the large number of majority charge carriers for the current flow through the transistor. सो इट कैन बी अ इलेक्ट्रॉन और होल्स. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल में मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है. ठीक है, तो जैसे पी टाइप में होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, तो इस तरह से इमिटर का जो वर्क है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना है ताकि करंट फ्लो थ्रू हो सके ट्रांजिस्टर में से. ठीक है, सेकंड जो टर्मिनल है वो बेस है. सो इट इज़ थीन लाइटली डोप सेंट्रल लेयर. ठीक है, तो बेस जो रहेगा वो लाइटली डोप रहेगा एज कम्पेयर टू द कलेक्टर एंड इमिटर, एंड इट विल एट द सेंटर. थर्ड वन इज द कलेक्टर, इट इज़ ज्योनेटेड बाय सी. सो इट इज़ ऑन द आइदर साइड ऑफ द बेस, इट इज़ ऑल्सो थिक एंड मॉडरेटली डोप लेयर. ठीक है, तो कलेक्टर जो रहेगा उसका जो थिकनेस रहेगा दैट इज़ लार्जर, बट डोपिंग लेवल विल बी मॉडरेट एज कम्पेयर टू कलेक्टर एंड बेस. सो इट्स एरिया इज लार्जर देन द इमिटर एंड द बेस. ठीक है, तो कलेक्टर का जो एरिया रहेगा वो लार्जर रहेगा एज कम्पेयर टू द बेस एंड इमिटर. सो दिस लेयर कलेक्ट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स सप्लाइड बाय द इमिटर. तो जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इमिटर से सप्लाई होगा दैट कैन बी कलेक्टेड बाय दिस कलेक्टर. सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस कलेक्टर लेयर. सो द कलेक्टर ऑल्सो हेल्प्स इन डिसिपेशन ऑफ एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड. ठीक है, सेकंड जो वर्किंग है कलेक्टर रीजन का वो हीट को डिसिपिएट करना इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये दो मेन वर्किंग है इस इमिटर सॉरी कलेक्टर लेयर के. ठीक है, सो ट्रांजिस्टर हैज़ अ दिस थ्री टर्मिनल इमिटर बेस एंड कलेक्टर बोथ इन केस ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी. देन वील सी द वर्किंग ऑफ दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर. सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर वील सी सम टर्म्स दैट इज डिप्लेशन रीजन. सो डिप्लेशन रीजन आर फॉर्म एट द इमिटर बेस जंक्शन एंड एट द बेस कलेक्टर जंक्शन. ठीक है, द
तो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन जो रहेगा वो दो जंक्शंस में फॉर्म होगा, फर्स्ट इमिटर एंड बेस। दिस फर्स्ट जंक्शन इज़ देयर एंड सेकंड वन विल बी द इन द बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दो जंक्शंस कनेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट पीएन, सेकंड जो जंक्शन रहेगा वो आपका एनपी है। ठीक है, सो इट हैज़ द टू डिप्लेशन रीजन्स विल बी फॉर्म बिटवीन दिस पीएन एंड एनपी जंक्शन। सो दैट इज इमिटर एंड बेस फर्स्ट वन, सेकंड विल बी द बेस एंड कलेक्टर रीजन। सेकंड जो रहेगा करंट, द इमिटर करंट इज डिनोटेड बाय आई, द बेस करंट इज डिनोटेड बाय आई बी, बी फॉर द बेस, एंड द कलेक्टर करंट इज डिनोटेड बाय द आई सी, द सी सफिक्स इज फॉर द कलेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस, द इमिटर बेस जंक्शन हैज़ अ लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इमिटर बेस जो रीजन रहेगा, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, वाइल द बेस कलेक्टर रीजन हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, एंड बेस कलेक्टर रीजन का जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी अ हाई। सो देर आर टू पी एन जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर, फर्स्ट वन इज द इमिटर बेस दैट इज ई बी, ओके, ई फॉर इमिटर, बी फॉर द बेस, एंड सेकेंड वन विल बी द कलेक्टर दैट इज डिनोटेड बाय सी एंड द बेस कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, एंड दे कैन बी अ बायस इन डिफरेंट वेज। सो इन मोस्ट कॉमन मेथड बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, द इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बायसिंग। तो बायसिंग के लिए जो जनरली मेथड यूज़ होता है, ठीक है, तो उसमें इमिटर बेस जंक्शन जो है, दिस इमिटर एंड बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस दैट इज एफ बी, ओके, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दैट इज दिस कलेक्टर एंड बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस। ओके, तो हम डिटेल देखेंगे वो वर्किंग में। ठीक है, देन विल स्टडी द वर्किंग ऑफ दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो इन केस ऑफ दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द दिस इमिटर ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो द इमिटर करंट आई ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एंड इन केस ऑफ दिस फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर, सो द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द इमिटर ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर आर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इमिटर है, ठीक है, इट इज़ द एन टाइप, सो दैट वी नो दैट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो द इमिटर करंट आई इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इमिटर करंट जो है यहाँ पे आई दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इमिटर बेस जंक्शन इज़ अ लार्ज बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे बैटरी कनेक्शंस, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये इमिटर दैट इज़ आई इज़ द करंट ऑफ इमिटर, दिस इज बेस, आई बी इज़ द करंट ऑफ दिस बेस, एंड थर्ड वन इज़ द कलेक्टर रीजन इज़ देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इमिटर बेस जंक्शन है, ठीक है, तो उसे हमने फॉरवर्ड बायस किया है, मीन्स दिस बेस इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड इमिटर इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव, एंड इन केस ऑफ दिस कलेक्टर बेस जंक्शन, सो दिस कलेक्टर इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड द बेस इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव। सो दैट इज़ द बैटरी कनेक्शंस और द सप्लाई कनेक्शन फॉर दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द इमिटर टू बेस जंक्शन इज़ लार्ज बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इमिटर बेस जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस किया है, दैट्स वाई करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ लार्ज, एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज़ ऑल्सो लार्ज, थ्रू द जंक्शन इज़ रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया है। ठीक है, सो दैट इज़ रिवर्स बायस दैट इज़ आर बी, एंड दिस बेस एंड इमिटर रीजन विल बी द फॉरवर्ड बायस। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो हियर टिपिकल बायसिंग सर्किट ऑफ दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर इज गिवन हियर। सो एट द इंस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू इमिटर बेस जंक्शन, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इमिटर रीजन दैट इज एन टाइप हैव नॉट एंटर टू द बेस रीजन दैट इज पी टाइप। ओके, व्हेन द बायसिंग वोल्टेज दैट इज वी बी, ठीक है,
B for base and E for emitter. So when this biasing voltage between base emitter region is greater than the barrier potential, that is 0.6 or 0.7 for silicon transistor, which is commonly used. ठीक है, अगर वो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन मटेरियल से फैब्रिकेट किया या मैन्युफैक्चर किया गया तो उसका जो वो वोल्टेज वी बी रहेगा, ठीक है, बेस इमिटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन 0.6 और 0.7. ठीक है, सो एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर टू द बेस रीजन एंड फॉर्म द इमिटर करंट, दैट इज आई. ठीक है, तो जो बायसिंग वोल्टेज है वी बी, जब 0.6 या 0.7 वोल्ट से ग्रेटर रहेगा, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होंगे बेस रीजन में. दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन विल एंटर इन टू दिस बेस रीजन वेन एवर दिस वी बी इज ग्रेटर देन 0.6 और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन. अगर ये जर्मेनियम मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है सो इट विल बी अ 0.2 वोल्ट. ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स कैन नाउ फ्लो इन टू डायरेक्शन. दे कैन एंटर इन टू द फ्लो थ्रू द बेस सर्किट एंड कंस्टिट्यूट द बेस करंट, दैट इज़ आई बी. ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम में बेस है सो दैट इज़ आई बी इज़ द बेस करंट, एंड दे कैन ऑल्सो फ्लो थ्रू द कलेक्टर सर्किट एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड द कलेक्टर करंट आई सी. एंड इन दिस एंड रीजन इट इज़ अ कलेक्टर, सो आई सी इज़ द करंट फॉर दिस कलेक्टर रीजन एंड आई बी इज़ द करंट फॉर द बेस रीजन, दैट इज द इमीटर. सो द बेस करंट इज स्मॉल, अबाउट 5% ऑफ आई. ठीक है, तो बेस करंट जो रहेगा आई बी इज स्मॉल देन दिस आई बाई 5% बिकॉज द बेस इज थीन एंड ऑल्सो इट इज लाइटली डोप. ठीक है, तो जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा बीजेटी के कि बेस जो है वो थीन है, ठीक है, उसका डोपिंग लेवल जो है वो थीन है एज कम्पेयर टू द दिस इमीटर एंड कलेक्टर. सो बेस इज लाइटली डोप, सो दैट्स वाई द करंट ऑफ बेस, दैट इज आई बी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस इमिटर करंट बाई 5%. सो द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिस एक्शन. सो इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम इमिटर इन टू द बेस, डिफ्यूज इन टू द कलेक्टर बेस डिफ्लेक्शन रीजन ड्यू टू द थीन बेस रीजन. ओके, तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फ्रॉम एन टाइप, दैट इज़ फ्रॉम इमिटर, आर डिफ्यूज इन टू द दिस पी रीजन, दैट इज द बेस, एंड ऑल्सो इन द दिस एन टाइप, दैट इज इन द कलेक्टर. सो वेन द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द कलेक्टर बेस डिप्लेशन रीजन, दे आर पुश इन टू द कलेक्टर रीजन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कलेक्टर बेस डिप्लेक्शन. सो दिस कलेक्टर बेस डिप्लेक्शन जो रीजन है, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश होंगे फ्रॉम दिस पी टाइप इन टू द एन टाइप मटेरियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कलेक्टर करंट आई सी विल बी फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड द कलेक्टर करंट दिस आई सी विल बी फ्लो थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट एंड द कलेक्टर करंट इज आई सी इज अबाउट 95 ऑफ आई. ठीक है, तो आई के 95% कलेक्टर करंट यहाँ पे फ्लो होगा, दैट इज आई सी थ्रू द सर्किट. तो सिंपल जो समरी है एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग की वो इस तरह से, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड बाय द इमिटर इनटू द बेस एंड दस कलेक्टेड बाय द कलेक्टर. ठीक है, तो जो मेजोरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इमिटर एन टाइप है, बेस पी टाइप है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर इज एन टाइप. ओके, तो जो मेजोरिटी चार्ज की वजह से एन टाइप, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर द गोज इन टू और इमिटेड और इंजेक्टेड इन टू द दिस पी टाइप मटेरियल, दैट इज अ बेस एंड इट इज़ कलेक्टेड बाई दिस कलेक्टर रीजन. ओके, एंड फ्लो थ्रू द कलेक्टर सर्किट करंट, दैट इज आई सी विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट. एंड अ पी एन पी ट्रांजिस्टर वर्क एग्जैक्टली सेम वे, एक्सपेक्ट दैट मेजोरिटी चार्ज कैरियर से नाउ होल. ठीक है, तो ये हमने एन पी एन ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखा. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, एट द इमीटर. ओके, एंड द करंट कंस्टिट्यूट ड्यू टू द इमीटर, बट इन केस ऑफ पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है, दिस इमिटर इज मेड ऑफ अ पी टाइप मटेरियल. ठीक है, तो पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स. ठीक है, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर का वर्किंग सेम है, जैसे हमने यहाँ पे एन पी एन पी सॉरी एन पी एन ट्रांजिस्टर का वर्किंग हमने यहाँ पे लिया है.
ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग भी सेम है, बट ओनली द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल इन केस ऑफ दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।